नमस्कार मु बसंत आपण मानक पई नेकी आसीची आज सकाळर केतटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को मोर अनुरोध चालंतु आज सकाळर खबर ऊपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर राज्य रे आउ तीनोटी जिल्ला रे खोलिबो ओमफेडर नुआ डायरी प्लांट। संबलपुर ब्रह्मपुर बालेश्वर रे खोलिबो ओमफेडर डायरी प्लांट। डायरी प्लांट नै मत्स्य ओ पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक सूचना देइछंती। ओमफेडर क्वालिटी ओ क्वांटिटी पई प्लांट जगिबो सीसीटीवी। पंचायत गुडी करे खोलिबो ओमफेड पार्लर ओ खीरधारा मिशन। 20 टी खीरधारा केंद्र खोली पर्यायक्रमे आउ बाकी खोलिबो। ओमफेड रो बकेया कमुछि एबे 2 कोटी बकेया रहिछि। नोटिस परे 82 लाख आदाय होइछि। 7 दिन रे न देले एक्शन हेबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य रो पंचायत रे खोलिबो खीरधारा केंद्र। चासी माने सेठारे खीर बिक्री करि परिबे। ओमफेड समीक्षा बैठक परे मत्स्य ओ पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक एही सूचना देइछंती। श्री मल्लिक कहिछंती लोकक चाहिदा देखि विभिन्न स्थान रे ओमफेड पार्लर खोला जिवो। एहा छडा प्रति पंचायत रे खीरधारा केंद्र खोला जिवो। चासी माने सेठारे खीर बिक्री करि परिबे। अति आवश्यक थिबा स्थान वर्तमान सुधा 20 टी खीरधारा केंद्र खोला सरिलानी। मासे भितर आउ 27 रु 28 टी खीरधारा केंद्र खोलिबा पई व्यवस्था करूछु बोली मंत्री कहिछंती। एवं ओमफेड पानी ओ चॉकलेट आसीबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र ओडिसा रा दुग्ध चासिंग को पई डीबीटी लागू करा जिवो। अन्य राज्य भली ओडिसा रा दुग्ध चासिंग को अकाउंट को टंका जिवो। पंचायत खीरधारा केंद्र रे खीर देले सीधा सळक डीबीटी माध्यम रे अकाउंट को टंका जिवो। एनेई मत्स्य ओ पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक सूचना देइछंती। मंत्री कहिछंती ओमफेड हेउछि ओडिसा अस्मिता। आगामी दिन रे ओमफेड को सुदृढ़ करिबा सह क्वालिटी क्वांटिटी रे कॉम्प्रोमाइज करा जीवनी बोली मंत्री कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सरकारी स्तर रे बड़ धरणर अदल बदल। दिन करे 66 जन अधिकारी को बदली करिछि गृह विभाग। गतकाली जुग्म सचिव उपसचिव ओ विभिन्न विभाग रे अधिकारी को अदल बदल करा जायछि। एनै शनिवार गृह विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विज्ञप्ति अनुजाई गृह विभाग रे जुग्म सचिव भाबे कार्यरत आईएएस नित्यानंद सिंह को विद्यालय ओ गणशिक्षा विभाग को बदली करा जायथिबा बेले विज्ञान ओ प्रजुक्ति विद्या विभाग रे कार्यरत आईएए सुनाराम मुर्मू को लोक संपर्क ओ पंचायत राज ओ पानीय जल विभाग को स्थानांतर करा जायथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर चासिं को बड़ भेटी देले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जारी हैला पीएम किसान योजना रो नुआ लिस्ट। एही लिस्ट रे आपनकर नाम थिले आपनको मिलिबो किसान योजना रे 2000 टंका। गोटिए पटे किसान योजना रो 19 तम किस्ती टंका प्रदान करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथि पई पीएम किसान योजना रो नुआ लिस्ट को जारी करि दिया जायछि। ओडिसा रो पाखा पाखी 37 लाख चासिं को नाम एही नुआ लिस्ट रे अछि। सेपटे जेऊ चासी भाई माने केवाईसी संपूर्ण पूरण करिछंती डॉक्यूमेंट सब ठीक देइछंती सेमानक नाम नुआ लिस्ट रे जारी करि दिया जायछि। ओडिसा रे पाखा पाखी 5 लाख रु अधिक नुआ चासिं को एबे किसान योजना रे शामिल करा जायछि। आपण मध्य पीएम किसान योजना रे ऑफिशियल वेबसाइट को जाई नुआ लिस्ट देखि पारिबे। एही लिस्ट रे आपणकर नाम थिले आपणकु डिसेंबर मास रे किसान योजना रे 2000 टंका मिलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिसा पालटिबो अक्षय शक्ति रे हब। 2030 सुधा उत्पादन हेबो 500 गीगावाट अक्षय शक्ति। सेथिपाई केंद्र शक्ति मंत्रालय पक्षरु खसड़ा प्रस्तुत होईछि। केंद्र अक्षय शक्ति मंत्री प्रहलाद जोशी प्रेस मीट करी एही सूचना देइछंती। ओडिसा रे पाखापाखी सौर शक्ति एवं ग्रीन हाइड्रो एनर्जी पई भलो सुजोग रहीछि। गोपालपुर ओ पारादीप रे ग्रीन हाइड्रोजन हब करबा को आलोचना होईछि। हीराकुद सहित आउ किछि स्थान रे फ्लोटिंग एनर्जी पई स्वतंत्र खसड़ा प्रस्तुत होईछि। खूब शीघ्र एही काम आरंभ हेबो बोली मंत्री कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एही दिन मिलिबो वार्धक्य भत्ता 3500 टंका। ओडिसा सरकारक पक्षरु दियागला बड़ अपडेट। गोटिए पटे आसंता सप्ताह रे मुख्यमंत्री मोहन माझीक अध्यक्षता रे कैबिनेट बैठक बसिबो। एही बैठक रे वार्धक्य भत्ता टंका को नै बड़ घोषणा करिवे मुख्यमंत्री मोहन माझी। सेपटे 60 रु 79 वयसर व्यक्ति मानक मध्य 3000 भत्ता टंका दिया जिवो बोली एही बैठक रे निष्पत्ति निया जिवो। ता सहित 80 रु अधिक वयस व्यक्ति मानक जनवरी मास 15 तारिख रु वार्धक्य भत्ता 3500 टंका मिलिबो। ए नै बीजेपी सरकारक पक्षरु बड़ संकेत दिया जायछि। आपण माने मध्य मतामत निहाति देबे। 60 रु 79 वयसर व्यक्ति मानक मध्य जनवरी मास 15 तारिख रु वार्धक्य भत्ता 3000 टंका मिलिबा दरकार कि नाही। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना रे 5 लाख महिलांकु मिलिबनी टंका। जारी हैला लिस्ट। आपणक नाम रहिछि कि जानि नियंतु। गोटिए पटे सुभद्रा योजना रे एबे महिला माने गोटिए बैंक खाता रे गोटिए मोबाइल नंबर लिंक करिवे। जदि गोटिए बैंक खाता रे गोटिए मोबाइल नंबर लिंक करि नथिबे सेमानकु सुभद्रा टंका दिया जिवो नाही। एभलि क्षेत्र रे 5 लाख महिला ए पर्यंत गोटिए बैंक खाता रे गोटिए मोबाइल नंबर लिंक करि नाहांती। सेमानकर 2 रु 3 टी बैंक खाता थिबारु सेमानकु एबे सुभद्रा टंका मिलिबो नाही। जहाकु नै ओडिसा रा महिला माने एबे राज्य सरकारक उपर क्षुब्ध अछन्ति। कारण गरीब परिवारर महिला माने 2 रु 3 टी मोबाइल नंबर रे रिचार्ज करबा पई सक्षम नहुंति। तेणु गोटिए बैंक खाता रे गोटिए मोबाइल नंबर लिंक करबा संभव नहे। तेणु सरकार एही नियम बदलैबा पई महिला माने दाबी करिछन्ति। ता सहित सुभद्रा योजना रे ए पर्यंत नगडार सह सह महिला माने आवेदन करिनाहांति। नगड
सहरवासी कालिया पानी आसीबा को 20 किलोमीटर दूर चालीबा को पडुछि तेनु बैंक को जाउ नाहंती महिला माने बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर रे लागू हेबो यूनिफॉर्म पॉलिसी। पुरी श्रीमंदिर को नै आइन मंत्री बड बयान दैछंती। आइन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिछंती कि महाप्रभु को जमी को जबरदखल करी रखा जाइथिबा बेले ताहा मंदिर रो कोनोसी काम रे लागू नाही तेनु जबरदखल होइथिबा जमी को किभळ उद्धार करा जिवो ता उपर सरकार खूब शीघ्र पदक्षेप नेबे। एहा सह श्रीमंदिर रे कार्यरत समस्तक पई सरकार यूनिफॉर्म पॉलिसी आनिबा को जाउथिबा कथा से कहिछंती। केवल श्रीमंदिर रे नहि अन्य मंदिर माननकर मध्य पर्याय क्रमे यूनिफॉर्म पॉलिसी लागू हेबो। अन्य पटे श्रीमंदिर रे 10,000 कोटी टंका कपर्स फंड गठन नै सूचना दैछंती आइन मंत्री। राज्य रो समस्त मंदिर रे नीतिकांति पई सुबंदोबस्त करा जिवो बोली मंत्री कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य अग्निशम विभाग रे होमगार्ड को मिलिबो 10% संरक्षण। राज्य हाईकोर्ट एनै एक बड राय सुनानी करिछंती। राज्य अग्निशम विभाग पक्षरु मोट 826 टी पदवी पूरण निमन्ते विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। तेबे खाली पदर 10% पद होमगार्ड को पई संरक्षण रहिबा नै विभाग नियम रहिछि। अग्निशम विभाग रे होमगार्ड को 10% संरक्षण प्रदान नै राज्य सरकार निष्पत्ति नैथिबा राज्य सरकारक तरफरु एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य जवाब रखिथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिसा रे हेबा बड पूंजी निवेश। सिंगापुर रे शिल्प जगतर शीर्ष नेतृत्व को भेटी ओडिसा को निमंत्रण देबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एथिपई 6 दिनिया सिंगापुर गस्तरे जाइछंती मुख्यमंत्री ओ वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडळी। निवेश पई ओडिसा संपूर्ण प्रस्तुत होइ रहिछि एणु ओडिसा रे निवेश करी नियुक्ति सुजोग सृष्टि करबाकु निवेशकंकु निमंत्रण दिया जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बिगुडुछि पाकिस्तान रा स्थिति। स्कूल बंद 3 दिन लॉकडाउन। आजिकालि पाकिस्तान पंजाब प्रदेश रा स्थिति वायु प्रदूषण रे बिगिडी जाइछि। क्रमागत भाबे बढुथिबा वायु गुणवत्ता सूचक को दृष्टि रे रखि पंजाब सरकार लाहोर एवं मुल्तान भली धुआं प्रभावित शहर रे स्वास्थ्य जरूरीकालीन परिस्थिति लगाइछंती। प्रदूषण रा मुकाबला पई अन्यान्य अनेक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। रिपोर्ट रे कुहा जाइछि जे सप्ताह रे 3 दिन शुक्रवार शनिवार एवं रविवार दिन मुल्तान एवं लाहोर रे संपूर्ण लॉकडाउन रहिबो। केवल एतिकि नुहे एक सप्ताह पई निर्माण कार्य उपरे मध्य निषेधादेश रहिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर कटक ओ संबलपुर रे हेबो 2टी रिवर पॉइंट। ओडिसा रा जीवन रेखा भाबे परिचित महानदी रे हेबो 2टी रिवर फ्रंट। गुजरात रा सबरमती रिवर फ्रंट ढांचा रे कटक ओ संबलपुर रे रिवर फ्रंट निर्माण हेबो। एनेई बड घोषणा करिछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। महानदी रिवर फ्रंट रा विकास पई पूर्वरु बजेट रे 50 कोटी टंका रा प्रावधान थिला। एबे आउ अधिक 150 कोटी टंका खर्च हेबा पई मुख्यमंत्री घोषणा करिछंती। एणी कि समुदाय 200 कोटी बजेट व्यवस्था रे उभय कटक ओ संबलपुर महानदी रिवर फ्रंट रा विकास करा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पूर्वतट रेलपथ कवच स्थापन कार्य आरंभ करिवो। पूर्वतट रेलपथ ओडिसा रा रानीताला एवं आंध्रप्रदेश रा दुबाडा मध्य रे 595 किलोमीटर रा दूरता विशिष्ट रेल मार्ग रे उन्नत कवच प्रणाली स्थापन पई योजना करी एक प्रमुख सुरक्षा उन्नति प्रकल्प आरंभ करिछि जहां हावड़ा चेन्नई मुख्य रेल लाइन रो एक गुरुत्वपूर्ण विभाग। एथिपई सर्वे डिजाइन जोगाण स्थापन परीक्षण एवं कवच उपकरण कार्यक्रम तथा अन्यान्य आनुषंगिक कार्य पई अनुमानिक मूल्य 280 कोटी सहित एही कवच कार्य पई टेंडर आमंत्रण करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर विमान यात्री को पई खुशी खबर। एणिकि भुवनेश्वर रु इंदोर डेराडून कोची जयपुर लखनऊ भली शहर को सीधा सड़क उड़ीबो विमान। एनेई सीएमओ पक्षरु ट्वीट जोगे सूचना दिया जाइछि। ए सबु शहर को बिजु पटनायक विमान बंदर रु सीधा सड़क उड़ीबो विमान। भुवनेश्वर बिजु पटनायक अंतरराष्ट्रीय विमान बंदर रु देशर बड़ बड़ शहर को उड़ीबो विमान। सेही परि झारसुगुड़ा वीर सुरेंद्र साय विमान बंदर रु हैदराबाद रायपुर लखनऊ मुंबई को सीधा सड़क विमान सेवा आरंभ हेबो। एहा द्वारा राज्यर अर्थनैतिक विकास को नुआ दिग मिलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एबे पान कार्ड आधार कार्ड सहित लिंक कले देबाकू पड़िबो जरिमाना। पान आधार को संयोग करबाकू सरकार बाध्यतामूलक करिछंती किंतु अनेक एपरि अछंती जे पान कार्ड को आधार कार्ड सहित एबे भी लिंक करि नाहंती आउ एबे सेमानंकू गणिबाकू पड़िबो दंड। पान आधार लिंक पई शेष तारीख हेउछि 31 डिसेंबर 2024। एहा परे पान कार्ड बंद होइ जाई पारे। वर्तमान जेउ माने पान कार्ड को आधार कार्ड रे लिंक करंती तेबे सेमानंकू 1000 टंका देबाकू पड़िबो जरिमाना बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर समस्त सरकारी चाकरी आशायक पई आसीछि एक बड़ सुजोग। आईटीबीपी पक्षरु 526 टी पद पूरण पई आरंभ होइछि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। नवंबर 15 रु एथि पई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइ सारिथिबा बेले डिसेंबर 14 तारिख रे ताहा समाप्त हेबो। उभय पुरुष ओ महिला आशायी माने एही पद पई आवेदन करि पारिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बिजु पटनायक अंतरराष्ट्रीय विमान बंदर रे निर्माण हेबो नुआ टर्मिनल। निर्माण हेबा पई 2 वर्ष लागिबो। एहारि मध्य रे 80 लाख क्षमता विशिष्ट नुआ टर्मिनल निर्माण हेबो जाहाकु नै केन्द्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री के राममोहन नायडू ओडिसा गस्तरे आसीथिबा बेले सूचना देइथिले। से कहिथिले जे एबे देशर 20 टी शहर सह विदेशर 4टी स्थान को भुवनेश्वर एयरपोर्ट संयोग करूछि। डबल इंजिन सरकार रे बेसामरिक विमान चलाचल क्षेत्र रे व्यापक आगखु जीव। भुवनेश्वर रे एबे जेउ टर्मिनल अछि सेथिरे 40 रु
50 लक्ष ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷମତା ରହିଛି ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ 80 ଲକ୍ଷ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ ଆୟ ଭିତ୍ତିକ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 2024-25 କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ ଖବର ପୁଣି ଥରେ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ December 1 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହାକୁ December 15 କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏବେ 15 ତାରିଖ ବଦଳରେ December 22 ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏନେଇ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋଡ ଉପରେ ପାନ ମସଲା ଛେପ ପକାଇଲେ ବା ପ୍ୟାକେଟ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ ସିଧା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଚାଲାଣ କାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଛେପ ପକାଇବା ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିବେ ଯାହାରି ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଛେପ ପକାଇଲେ ଜରିମାନା ଲାଗିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଯୋଗ ଦେବେ 29-1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ମାଓ ଦମନ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉପଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।